ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की कहानी प्यार, नुकसान और आत्म खोज की एक लंबी यात्रा है। कहानी को कुछ हिस्सों में बांटा जा सकता है। शुरुआती जिंदगी, नायरा का जन्म अक्षरा और नैतिक के बाहर शादी से हुआ था। बचपन से ही उसे अपने माता पिता की असली पहचान नहीं पता होती। वह सिंघानिया परिवार के साथ रहती है जिन्हें वह अपने माता पिता मानती है। कार्तिक से मुलाकात और प्यार, एक संयोग से नायरा की मुलाकात कार्तिक से होती है जो एक आत्मविश्वासी और सफल बिजनेसमैन होता है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के मंडप में पता चलता है कि नायरा असल में अक्षरा और नैतिक की बेटी है। ये खुलासा दोनों परिवारों में तनाव पैदा कर देता है। अक्षरा और नैतिक के साथ पुनर्मिलन, नायरा को अपने असली माता पिता के साथ रहने का फैसला करना होता है। वह धीरे धीरे अक्षरा और नैतिक के साथ बंधन बनाती है। इस दौरान कार्तिक से उसका रिश्ता भी टूट जाता है। दूसरा प्यार और नुकसान, नायरा की जिंदगी में फिर से प्यार आता है, इस बार रियान के रूप में। दोनों शादी भी कर लेते हैं लेकिन रियान की जल्दी मौत हो जाती है जिससे नायरा टूट जाती है। कार्तिक के साथ नया सफर, किस्मत के कुछ और उलटफेर के बाद नायरा कार्तिक के साथ फिर से मिलती है। दोनों अपने अधूरे प्यार को पूरा करने का फैसला करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और एक साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उनके दो बच्चे भी होते हैं। दूसरा मौका, नई शुरुआत। कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। नायरा एक नई पहचान के साथ वापसी करती है। अब वह सिराट के नाम से जानी जाती है। कार्तिक और अक्षरा कैरव की परवरिश कर रहे होते हैं। धीरे धीरे नायरा सिराट के रूप में कार्तिक और कैरव की जिंदगी में वापस आती है। उन्हें अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और अपने प्यार को फिर से जगाना होता है, एक साथ परिवार बनाना। यह कहानी आगे चलकर उनके प्यार की परीक्षा लेती है और उन्हें एक परिवार के रूप में एक साथ रहने की राह दिखाती है। नायरा और कार्तिक को एक और बच्चा अक्षरा भी होता है। ये रिश्ता प्यार, परिवार, बलिदान और नई शुरुआत की कहानी है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। आगे की कहानी वर्तमान सीरियल के आधार पर भिन्न हो सकती है। हाल ही में ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बड़ा लीप आया है। कहानी अब नायरा और कार्तिक की बेटी पर फोकस करती है। नायरा की कहानी सिर्फ प्यार की ही नहीं बल्कि मजबूती, त्याग और आशा की भी कहानी है। वह हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करती है और अंत में खुशहाली पाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी अक्षरा और अभिमन्यु की प्रेम कहानी है जो कई उतार चढ़ावों से गुजरती है। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया गया है। शुरुआत, अक्षरा एक दयालु परंपरागत लड़की है जबकि अभिमन्यु एक महत्वाकांक्षी आधुनिक संगीतकार है। परिस्थितियाँ उन्हें एक दूसरे से मिलाती हैं और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है लेकिन उनके परिवारों के बीच चल रहे मतभेद उनके रिश्ते में बाधा बन जाते हैं। परीक्षाएं, अक्षरा और अभिमन्यु को अपने प्यार को साबित करने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें अभिमन्यु के संगीत के जुनून और अक्षरा के पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बिठाना होता है। गलतफहमियां, परिवार का दबाव और बाहरी हस्तक्षेप उनके रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। त्याग, अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हैं भले ही इसका मतलब अपने खुद के सपनों को ताक पर रखना हो। अक्षरा अभिमन्यु के संगीत के कैरियर का समर्थन करती है जबकि अभिमन्यु अक्षरा के परिवार के महत्व को समझता है। कई बार उन्हें एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है लेकिन उनका प्यार बना रहता है। पुनर्मिलन, गलतफहमियों का अंत होता है और सच्चाई सामने आती है। परिवार अंततः उनके प्यार को स्वीकार कर लेते हैं और उनका साथ देते हैं। अक्षरा और अभिमन्यु शादी कर लेते हैं और एक साथ खुशहाल जीवन शुरू करते हैं। नए अध्याय, शादी के बाद अक्षरा और अभिमन्यु को माता पिता बनने की खुशी मिलती है। उन्हें माता पिता के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनका रिश्ता लगातार विकसित होता रहता है और मजबूत होता जाता है। कहानी का सार, ये रिश्ता क्या कहलाता है YRKKH अक्षरा और अभिमन्यु की प्रेम कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी समझौतों, त्यागों और एक दूसरे के प्रति समर्पण के महत्व को दर्शाती है।